الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم तो इंशाल्लाह भाइयों आज हम सूरह यासीन का स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह और इरादा ये है जी वो कुछ थैंक यू जी मना इंशाल्लाह इरादा ये है कि 6 या 7 कुरान सर्कल्स में इंशाल्लाह हम सूरह यासीन को कवर करेंगे इंशाल्लाह और इतनी ये खूबसूरत सूरह है कि जब हम इसकी डिस्कशन शुरू करेंगे इंशाल्लाह तो आप खुद ही अप्रिशिएट करेंगे कि कितना ये खूबसूरत कलाम है और कई दफ़ा इसकी ऐसी एस्पेक्ट्स होती हैं जो कि हम अपनी मसरूफी की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं नहीं इस पर गौर कर पाते लेकिन हमारे स्कॉलर्स ने जो खिदमत की है दीन की बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया तो इस इन कुरान सर्कल में हम क्या करेंगे कि जो मुख्तलिफ स्कॉलर्स की एक्सप्लेनेशन है जो मुख्तलिफ तफासीर हैं उनकी एक तरह से समरी जो है वो बयान करेंगे इंशाल्लाह तो ये इन अगले 6 या 7 कुरान सर्कल्स का फोर्टनाइटली टाइटल है इंशाल्लाह द डिवाइन ब्यूटी ऑफ सूरह यासीन। अच्छा तो पहले आप बताइए आपका क्या ख्याल है कि ये सूरह मक्का में नाजिल हुई या मदीना में नाजिल हुई इसको इंशाल्लाह हम इंटरेक्टिव ही रखेंगे ज्यादा गुफ्तगु के नाम ही करेंगे इंशाल्लाह तो ये मक्का में आपके ख्याल में आई है मदीना में आई मक्का में आई और मक्की सूरतों की कुछ है स्पेसिफिक एस्पेक्ट जो आपके जहन में होकर मक्की सूरतों में क्या चीज कवर होती थी पेशेंस के बारे में भी था और जनरल प्रिंसिपल्स अकाइद पे जोर ज्यादा था और आउटकम्स जो हमारे एक्शंस की निकलेंगी उसके ऊपर ज्यादा था तो जो भाई भी बोलेंगे उनके लिए कुछ खास पॉइंट्स हैं लेकिन अगर रियान बोलेंगे तो उनके लिए डबल पॉइंट है तो ये मक्की सूरतों की ये थीम होती थी। अच्छा अब सवाल ये है कि ये पता होना कि ये मक्की है मदनी है इससे हमें क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी लाइफ में क्या इसका वो है इम्पैक्ट मदनी में तो आपने एक रियासत का कायम कर दी तो मक्की में ये था कि आप जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ पे अभी इस्लाम पावरफुल नहीं था जैसे आजकल हम यहाँ पे रह रहे हैं बात भी रहे हमारे लिए बिल्कुल सही बात तो पहली चीज तो ये है कि हमारे दिल में अकीदा स्ट्रांग होना ये सारी गुफ्तगू जो मक्की सूरतों में ये अकीदे की है जब अकीदा स्ट्रांग हो तो उस पर अमल करना आसान हो जाता है जब अकीदा ना स्ट्रांग हो तो अमल करना मुश्किल होता है इसी की एक फ्लिप साइड भी है अगर कोई अच्छा अमल कर रहा है तो इससे हमें पता चलता है कि उसका अकीदा स्ट्रांग है और अगर कोई बुरा अमल कर रहा है तो इसका मतलब है कि खुदा पे और आखिरत पे उसका यकीन स्ट्रांग नहीं तो इस पर्सपेक्टिव को लेके जरा हम अपनी जिंदगी में झांकें कि हम दावा करते हैं मुसलमान का और हम वाकई दिल से भी मुसलमान हैं या सिर्फ जबान से मुसलमान हैं तो इसी तरह से अल्लाह ताला ने सूरह हुजरात में भी फरमाया ना कि ये लोग कहते हैं कि ये मुसलमान हैं लेकिन अभी ईमान इनके दिलों में एंटर नहीं हुआ दाखिल नहीं हुआ इनके तो अब ये कहें सिर्फ कि मैं मुसलमान हो गया मोमिन नहीं हुआ यानी आपने सबमिट कर दिया है बस आपने कहना शुरू कर दिया कि मैं मुसलमान हूँ कि ईमान इज येट टू एंटर योर हार्ट तो हम इस एंगल से अपने ऊपर काम करेंगे किस तरह हम अपने ईमान को स्ट्रॉन्ग कर सकते तो ये मक्की सूरतें जो हैं हमारे लिए इस रिफ्लेक्शन का काम देती हैं कि हम अपने अंदर झांकें। अच्छा अब ये है कि इस सूरत के अंदर अल्लाह ताला ने कुछ बड़ी ब्यूटीफुल थीम्स दी हैं देयर आर 6 थीम्स इन दिस सूरा सूरह यासीन में देयर आर 6 थीम्स तो पहली थीम इसकी है कि कुरान बीइंग द रेवलेशन एंड इट्स पावर टू रिवाइव तो पहली 12 आयतें जो है 12 आयत रिलेट टू दिस टॉपिक कुरान बीइंग द फाइनल गाइडेंस इन एंड इट्स पावर टू रिवाइव द हार्ट्स तो ये पहली है। सेकंड में अल्लाह ताला बताते हैं लेसन फ्रॉम हिस्ट्री अल्लाह सुब्हानहु व तआला टेल्स अस ऑफ A particular people who were sent certain messengers towards उनकी तरफ कुछ messengers भेजे गए थे फिर किस तरह उन्होंने इनकार किया उनकी कौम में से एक माइनॉरिटी एक फर्द ने इकरार किया उनका और अल्लाह ताला ने उसका क्या मामला किया तो एक हिस्ट्री का लेसन अल्लाह ताला ने हमें दिया। उसके बाद अल्लाह ताला ने अपनी बहुत सारी आयात बताई रियान आपको पता है कि आयात क्या होती है आयात लाइक इन द कुरान ये आयात है Yeah, but do we have any other ayat as well apart from what we have in the Quran? Nishaniyan, Allah Ta'ala ne Quran mein farmaya na ki inke liye nishaniyan hain. Zameen o asman mein bhi aur inki apni zaat mein bhi nishaniyan hain. To Allah Ta'ala ne uske baad nishaniyon ka ayat ka zikr farmaya, Allah Ta'ala ki nishaniyon ka. Nishani se kya hota hai? अगर आपने मोइन भाई के घर आना हो तो आपको निशानी लग रहते हैं कि यहाँ वो शॉप आती है वहां से मैंने ये टर्न लेना है और इधर से जब मैं इस गली से निकला हूँ तो
तो ये तीसरा घर मीन में क्या है, इस्लाम को निशानी देते हैं, निशानी से क्या होता है, निशानी मंजिल नहीं होती ना, वो बंदा जल्दी पहुंच जाता है, वो उस निशानी जो होती है ना वो आपको लेके चलती है, ये रास्ता है सिराते मुस्तकीम का, ये जो भी सीधा रास्ता ये डाइवर्ट नहीं होता, बिल्कुल अच्छा, तो निशानी था वो चलता है कि ये बाकी में मंजिल की तरफ रास्ते पे सही जा रहा हूँ और वो आपको मंजिल तक पहुंचा देता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम साइंस पे गौर करें और फिर जो हमारी मंजिल है उस तक हमें पहुंचाएगा। और हमारी मंजिल क्या है, अल्लाह ताला की मार्फत, अल्लाह ताला को जानना, टू नो अल्लाह सुब्हान ताला, जिसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा चांद को, ये बड़ा चमक रहा है शायद ये गॉड है, लेकिन जब वो डूब गए ये नहीं, तो सूरज आने तो ये से ज्यादा चमक रहा है, उन्होंने एक तो क्या कर रहे थे वो क्रिएशन पे पॉन्डर कर रहे थे, तो हमें भी क्रिएशन पे पॉन्डर करना। एज अ साइड नोट, हम आई कैन का जो प्लेटफॉर्म है समा बसर, उससे मुख्तलिफ किताबें पब्लिश होती हैं, उसकी जब रिसर्च करते हैं तो इंसान कई दफ़ा दंग रह जाता है, क्योंकि हमारा पर्सपेक्टिव ये है कि हदीस फिक साइंटिफिक एस्पेक्ट्स कंपैरेटिव रिलीजन ये सारा कुछ इकट्ठा एक साथ पढ़ाया जाए, एक टॉपिक पे किया जाए और उस टॉपिक को हर एंगल से देखा जाए, उसमें कई चीज़ें ऐसी आती हैं कि इंसान का जो है ना वो हैरान हो जाता है कि यार ये जानने के बाद कोई कैसे मुसलमान नहीं हो, अल्लाह ताला ने आपके लिए क्या क्या किया, तो वो जानने के बाद भी कोई मुसलमान ना हो तो उसके बाद बड़ा ही वो अपने आप को जबर करके नाम जो है ना वो एथिस मान रहा। तो बहरहाल आयात का अल्लाह ताला ने जिक्र किया, ये जिक्र करने के बाद अल्लाह ताला ने बताया उन लोगों का जो के पॉन्डर नहीं करते, जो लोग रिफ्लेक्ट नहीं करते कि उनके आगे क्या है और उनके पीछे क्या है, एक पैसेज ये है। उसके बाद अगला पैसेज है कि अगर कोई इस तरह का रवैया करेगा तो उसकी फेट क्या है, अगर सही रवैया होगा तो जन्नत में उसको क्या मिलेगा, और अगर रवैया सही ना होगा तो उसकी रेप्रिमांड या उसकी पनिशमेंट क्या होगी। और फिर आखिर में अल्लाह ताला ने दोबारा कुरान की परवाह की। अच्छा, इन थीम्स का मकसद क्या है बताने, इन थीम्स में आपको एक बड़ी खूबसूरत कोरिलेशन नजर आएगी। स्टार्ट सूरह का कहां से हुआ भाई और खत्म कहां पे हुआ, कुरान पे। अच्छा, अब हिस्ट्री पहले आती है या फ्यूचर पहले आता है, हिस्ट्री। तो फिर सेकंड टॉपिक क्या हुआ, हिस्ट्री, और सेकंड लास्ट टॉपिक क्या है, फ्यूचर जो बाद में होने वाला है, फेट आपकी क्या होगी, पास्ट और प्रेजेंट, और पास्ट सॉरी पास्ट और फ्यूचर, और पास्ट और फ्यूचर के बीच में क्या होता है, प्रेजेंट। प्रेजेंट में क्या है, आप घिरे में अल्लाह ताला के साइंस के दौरान, अल्लाह ताला की क्रिएशन के दौरान आप घिरे में, और उसमें पॉन्डर करें या ना करें ये इस वक्त आपके हाथ में है राइट नाउ। तो ये इस सूरत की छह थीम्स हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये भी आप एक तो आप इनको थीम्स की रिलेशन से देख सकते हैं, दूसरा ये भी आप देखते हैं सीक्वेंशियली अल्लाह ताला की जो हिदायत देता है इंसान को, तो उसका पहला सबसे बड़ा सोर्स क्या है, कुरान। सबसे पहला सोर्स कुरान है, और इसी पहले पैसेज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जात का भी जिक्र है, इन्नकल मिनल मुरसलीन। तो अल्लाह और उसका नबी सबसे पहले हिदायत का जरिए। फिर आप जब हिस्ट्री को देखते हैं कि कौमों के साथ क्या हुआ, आप अपनी जिंदगी की हिस्ट्री देखते हैं, अपने मुल्क की हिस्ट्री देखते हैं, तो आपको पता चलता है कि अल्लाह ताला के प्रिंसिपल्स क्या हैं, उनसे आपको हिदायत मिल सकती है। उसके बाद फिर अल्लाह ताला की क्रिएशन में पॉन्डर करें, उससे आपको हिदायत मिलेगी। तो ये इस एंगल से भी आप इन थीम्स को देख सकते हैं। अच्छा, अब ये कि बहुत सारे साथी हमारे साथ ये पहली दफा ये इस कुरान में शामिल है, तो एक छोटा सा हम चीज और देखते हैं कि कुरान को देखने के ना बहुत सारे एंगल्स होते हैं, बहुत सारे एंगल से आप कुरान को देख सकते हैं, और मुख्तलिफ स्कॉलर्स अपनी एक्सपर्टीज के हवाले से देखते हैं कुरान की तफसीर करते हुए। कुछ तफसीर आपको मिलेंगी जिनमें फोकस होता है कुरान की बलागत के ऊपर। व्हाट इज बलागत, व्हाट इज तबलीग, कोई एनीवन नोस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तबलीग, पहुंचाना करना और इब्लाग का मतलब क्या होता है, पहुंचाने के जो होते हैं कम्युनिकेशन होती है, और बलागा का मतलब होता है बेहतरीन तरीके से कम्युनिकेट करना। तो कुरान का कम्युनिकेशन का स्टाइल क्या है, कौन सा लफ्ज कुरान ने यूज किया, क्या इसके अलावा कोई और लफ्ज यूज हो सकता था, Why this word that Quran chose is the best word? तो एक फील्ड है पूरी बलागत की। तो काफी सारे स्कॉलर्स जो हैं उन्होंने तफसीर कुरान की किस एंगल से लिखी है, बलागत के परस्पेक्टिव से। इस तरह से कुछ स्कॉलर्स ने जो है ना वो ग्रामर के हवाले से कुरान की एक्सप्लेनेशन की है।
इस तरह से कुरान के नज़म के हवाले से, यानी कि कुरान की सूरतें जो है वो एक के बाद दूसरी आ रही, तो क्या इनकी आपस में क्या रिलेशन है, और विद इन द सूरा क्या रिलेशन है, और आयात की क्या रिलेशन है, तो कोई स्कॉलर्स उसको इस एंगल से देखते हैं। इसी तरह से हिस्टोरिकल डिटेल्स ऑफ द कुरान, जो आप क्लासिकल तफसीर पढ़ते हैं तो उसमें उन्होंने हिस्ट्री के हवाले से बहुत गुफ्तगू की है, ये इवेंट कहाँ हुआ था, किस लिए हुआ था, क्या सिग्निफिकेंस है उसकी। इसी तरह से कौमों के उरूज ज़वाल के प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल्स ऑफ राइज एंड फॉल ऑफ नेशंस, तो ये भी कुरान से एक्सट्रैक्ट करते हैं स्कॉलर्स। इस तरह से कुछ लोग देखते हैं गराइब अल कुरान के हवाले से, द यूनिक वर्ड्स यूज्ड इन द कुरान, कुछ तफासीर होती हैं फिकही एस्पेक्ट्स के लिहाज से वो लिखी जाती हैं, कुछ तफासीर में बिलीफ के एस्पेक्ट्स पे बहुत जोर होता है, कुछ में स्पिरिचुअलिटी पे जोर होता है, एंड और बहुत सारे और हिस्ट्री के ऊपर होता है। तो कुरान को एक दफा पढ़ लेना काफी नहीं, ये सारी कहां बताने का मकसद क्या था कि कुरान को एक दफा अगर आपने पढ़ लिया है तर्जुमे से तफसीर से तो दैट इज नॉट इनफ। पहला सवाल तो ये है कि एटलीस्ट एक दफा तो हम कवर टू कवर पढ़े डिटेल के साथ, एटलीस्ट एक दफा तो पढ़े, और फिर जब एक दफा पढ़ लिया तो दैट इज नॉट इनफ। स्कॉलर्स कहते हैं एवरी ईयर यू शुड रीड अ न्यू तफसीर, और हर स्कॉलर एक मुख्तलिफ एंगल से बताता है। इस तरह मौलाना सनाउल्ला अमृतसरी जो है उनकी तफसीर किस एंगल से, कंपैटिबल रिलीजन के एस्पेक्ट, यानी जो जो इस्लाम पे एतराजात होते हैं उनका जवाब किस तरह से दिया जा रहा है। इसी तरह से कई तफसीर ऐसी जैसा तफसीर कुर्तुबी, इसमें फिकही एस्पेक्ट्स, तो मुख्तलिफ आपको टेस्ट मिलेंगे और आपकी जो है वो ग्रो करेगी पर्सनैलिटी इससे। यहाँ तक मामला ठीक जा रहा है, बोरिंग तो नहीं हो रहा है या? अच्छा, अब एक सवाल है आप भाइयों से, एक सूरह यासीन के फजाइल के हवाले से आप लोगों ने क्या सुना है? कुरान पाक का दिल है। और कोई चीज किसी भाई ने सुनी हो? एक अपनी फजीलत है जी, तो मतलब ये होता है कि हम लोग यहाँ भी और वैसे भी एक मेडिसिन है कि जब हम सूरह यासीन पढ़ते हैं मामला के ऊपर हमारे ऊपर जो रहमतों के नज़ूल है वो होता है, ठीक है, और सुबह जो आफ्ताब होता है उससे पहले मतलब नमाज के बाद हम अक्सर जो सूरह यासीन की लोग तिलावत करते हैं ताकि जो है हमारे जो मामला उनके अंदर बरकत जो है वो शामिल हाल हो, अल्लाह ताला की मदद जो है वो साथ है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हम बचपन से सुनते हैं, लेकिन इस हवाले से एक आपके लिए सैड न्यूज है। सैड न्यूज ये है कि अक्सर ऐसी जो रिवायात हैं वो फैब्रिकेटेड या जो है वो इंतहाई ज़ईफ। तो इकराम भाई थोड़ा सा बताएंगे कि ये फैब्रिकेटेड नरेशन क्या होती है या ज़ईफ नरेशन क्या होती है? जिस तरह से सही हदीस के लिए कुछ शराइत तो जिसके अंदर नकल की है, पांच बुनियादी शराइत है, इसकी तरह से जब हदीस ज़ईफ होती है उसकी भी वजूहत होती है। अगर कोई हदीस जैसे मिसाल के तौर पर जब आप हदीस को देखते हैं तो हर हदीस की एक सनद, सनद क्या है जो भाई पहले हमको तो पता है, जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर इमाम मालिक रहमतुल्लाह एक हदीस जिक्र कर रहे हैं, इमाम बुखारी कोई हदीस जिक्र कर रहे हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर इमाम बुखारी तक वो हदीस किस तरह से पहुंची? तो बीच में लाइट की बातें वास्ते होते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी सहाबी ने जिक्र किया होगा, फिर सहाबी से किसी ताबई ने जिक्र किया होगा, फिर ताबई से किसी तबा ताबई ने जिक्र किया होगा। अब हदीस ज़ईफ होने के बहुत सारे, बहुत ये बड़ा एक वास्ट टॉपिक है, मैं इसको बिल्कुल समराइज करके बताऊँ कि अगर उस नरेशन में से कोई एक रावी ऐसा है जो थोड़ा सा वीक है, इसका हाफजा थोड़ा सा कमजोर है, या उनके अंदर मुलाकात, जैसे मिसाल के तौर पर एक शख्स कहता है कि मैंने ये हदीस फला शख्स से सुनी और वो शख्स पहले ही शख्स के पर मतलब पहले उसके मरने के बाद उनकी मुलाकात ही साबित हुई है, तो इनका आ जाता है, इसकी वजह से हदीस ज़ईफ हो जाएगी। किसी रावी के हाफजे में कोई मसला है, उसको भूलने की बीमारी थी आखिरी उम्र में, वो भूलने लग गया, कोई इस तरह की कमजोरी तो उससे हदीस ज़ईफ हो जाती है। फैब्रिकेटेड हदीस वो होती है जिसकी सनद के अंदर कोई एक ऐसा रावी हो जिसके ऊपर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर झूठ बोलना साबित, यानी कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर झूठी अहदीस बयान करता है, तो वो रिवायत जो है वो मौजूद के दर्जे में चली जाती है। इसके बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन है जी जी, रावी जो ना ज़ईफ और हम लोग ज़ईफ के बारे में मैंने तो कहीं सुना ये हुआ है कि कुछ ऐसे सहाबा काम जिनके मामला के अंदर भी कुछ अपने कोताही कर देते थे, उनकी जो नरेटेड कोर्ट्स है उनकी जो नरेटेड हदीस है ना वो भी ज़ईफ है। नहीं, सहाबा के बारे में मुहद्दिसीन ने उसूल है कि सहाबा कुल हो मुर्दूद, ये अब मैं हमें रावी कहते हैं, रावी की आता सहाबा के जो रावी है ना अगर उनके कोई मामला के अंदर सामने उनकी फिर वो हदीस लेते नहीं थे, वो स्ट्रेट अवे ज़ईफ हो जाती थी, लेकिन अगर मेमोरी का मामला है उसके अंदर फिर वो देखते थे किस लेवल का मसला है।
तो उसके ऊपर फिर या तो हसन हसन वो तीन कैटेगरीज में है ना, सही हसन और गरीबी, इसके अलावा भी बहुत सारी कैटेगराइजेशन है लेकिन सेहत के वाले से आप ये तीन समझ लें। अगर हर दो एस्पेक्ट हों, एक होती है उनकी अदाला यानी कि उनकी अपराइटनेस, दूसरी होती है उनका जब्त यानी कि उनकी हिफाजत का तरीका, चाहे लिख के हिफाजत को इन्हें करनी आती थी या जुबानी हिफाजत, उनकी इतनी मेमोरी इतनी स्ट्रांग थी। कई दफा ऐसा होता है ना हमारे जैसे लोग क्या होते हैं, हमारे पास कोई किताब लिखी भी हो ना फिर तो महफूज है, लेकिन जब मैं अपनी जुबान अपनी याददाश्त से कुछ बता रहा हूँ मैं कुछ गलत मलत बताऊंगा, एग्जैजरेशन आ जाती है। हाँ, तो इस वजह से कुछ उन्होंने स्कॉलर्स ने कहा कि ये देख के पढ़ के सुना रहे हैं ना फिर तो इनकी हदीस ले लो, लेकिन अगर उन्होंने जुबानी में लगाई तो ना लो। तो इस तरह बहुत डिटेल स्टडी। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका क्या मतलब है कि जी हमारे जो कलेक्शन ऑफ हदीस हैं उनमें देर सो मेनी ज़ईफ हदीस, तो देन इज इट रिलायबल और नॉट रिलायबल? ज़ईफ हदीस पे रखने रखी क्यों है, सवाल ये पैदा होता है, आपको क्या ख्याल है? कुछ में ऐसा होता है एक नॉन मुस्लिम आपको आगे कहे कि भाई तुम्हारे उसमें तो वीक चीजें भी लिखी होती हैं, I don't believe in your hadith. तो ये इस चीज की दलील है कि ये बाकी सही है क्योंकि हमने कोई वीक चीज जो है उसको साइड नहीं किया हुआ है। That's the point कि तमाम अहदीस है वो नरेटेड जो थी वो लिखी गई जो जो उन मुहद्दिस के पास पहुंची, फिर उसके बाद उसकी ग्रेडिंग हुई और ग्रेडिंग का क्राइटेरिया ऐसा है जो हिस्ट्री में कहीं नहीं मिलता। हिस्ट्री में पूरी तारीख इंसानी में किसी इल्म की हिफाजत इस तरह से नहीं हुई, ठीक है, नो नॉलेज वाज प्रिजर्व्ड लाइक दैट। उन्होंने रावी जो होते हैं ना नरेटर्स उनमें से एक एक की जिंदगी को स्टडी किया, कहाँ रहे, इनके टीचर्स कौन कौन थे, इनके स्टूडेंट्स कौन कौन थे। अगर कोई और बंदा आगे कहता है कि जी मैंने इनसे सुना, कहेंगे नहीं आप तो इनके स्टूडेंट ही नहीं थे, फिर वो देखते हैं कि ये क्या एक ही जमाने में पाए जाते थे कि नहीं, और अगर पाए जाते थे तो मिले भी थे आपस में कि नहीं मिले थे, और मिले थे तो क्या हदीस भी चेंज हुई थी या बस सलाम अलैकुम संगे और कह के चले गए। तो ये चीजें इस लेवल तक जाते हैं। फिर मेमोरी इनकी बचपन में कैसी थी, बाद में कैसी थी, लिख के कुछ गलती तो नहीं होती थी, यहाँ तक कि हदीस सुनाते हुए कुछ और तो नहीं बोल देते थे, हदीस सुना रहे हो और कहें कि रियान बेटे थोड़ा पानी ले आए मेरे लिए, फिर हदीस शुरू कर दें, क्योंकि हदीस में फिर मिक्सिंग का चांस होता है ना, तो ये चीजें तक जो है ना वो नोट होती थी। छोटा सा एग्जांपल है अब्दुल्ला बिन मुबारक के हवाले से रिवायत आती है, मुस्लिम में भी ये कह रहा है कि वो एक दफा सुबह बैठे हुए ना हदीस का दर्स दे रहे, तो वो जब दर्स देते थे तो उनके तलामीद होते थे वो लिखा करते थे, तो मैंने देखा कि उनका एक शागिर्द जो है वो फजर की नमाज के उसकी नमाज देखे थे और वो भागता हुआ आ रहा था, वो रास्ते में लिखता आ रहा। तो आपने उनके चेहरे की तरफ देखा, अब्दुल्ला बिन मुबारक ने कहा बहुत से चेहरे ऐसे होते हैं जो दिन की रोशनी दिन में तो बड़े रोशन होते हैं लेकिन रात में सिया हो जाता। उन्होंने ये बात भी हदीस के अंदर नकल कर दी, लेकिन अब अब्दुल्ला बिन मुबारक का तरीका क्या रहता है कि जब वो लिखवाते थे तो फिर हर शागिर्द की किताब चेक करते थे, तो जब उन्होंने उसकी किताब चेक की तो उसके अंदर ये जुमला इलाकी जो उनके मुंह के अल्फाज थे उन्होंने वो हदीस के साथ मिला के लिख दिया था। तो इस तरह से मुहद्दिसीन किस हद तक जो है इसका ख्याल रखते थे। बल्कि जैसे नबी भाई कह रहे थे, मैं छोटी सी आपको मिसाल दूँ, एक किताब है तारीख़ दमिश्क, तारीख़ इब्न असाकर के नाम से भी मशहूर है, उसके अंदर उन्होंने मेजोरिटी के अंदर जो दमिश्क के रावी थे ना अहदीस जिन्होंने जिक्र किया उनके हालात जिक्र करे, वैसे दूसरी तारीख के मामला थी लेकिन मेजोरिटी तो रावियान के ऊपर है, 120 जिल्द है उसकी किताब। अब आप अंदाजा लगा रहे हैं सिर्फ एक खत्ते के रावियों के ऊपर 120 जिल्दें मुहद्दिसीन ने लिख छोड़ी है, तो फिर तो 6 लाख से ज्यादा 7 लाख से ज्यादा जो रावी हैं उनके हालात जिंदगी जगह की किताबों में आ गए। बहुत मजे की सील है, अभी पढ़े ना बहुत मजा आता है। तो भरत, अच्छा अब सवाल किया आप लोगों से भाइयों, एक सवाल और है। अच्छा, पल्स चेक, क्या बच्चों की बात समझ में आ रही है या आपको लगता है कुछ एलियन गुफ्तगू हो रही है? आर यू गेटिंग द पॉइंट ऑफ व्हाट वी आर डिस्कसिंग और नो? Be honest, if not, you can say it's not. Good feedback. So we need good feedback. आप बिल्कुल आपने अच्छा किया, you were honest, it's a really good thing. So we'll try to make it simpler now. So inshallah, we'll all be able to follow. Achha, now the question is, there is one hadith which is maudhu, fabricated. Someone just wrote something. Kyun hui? Uski bahut sari reasons thi. Sometimes it was because of political reason. Sometimes people used to do it because of some good intention, but bad action out of good intention. That maybe people should read a lot of Surah Yasin and wrote many hadiths on that. So that was the motivation. Acha, ek hai maudhu, yani fabricated. Dusri hai zayif.
तो विच वन डू यू थिंक इज मोर हार्मफुल, फैब्रिकेटेड और दही? फैब्रिकेटेड. तो इसको तो आप स्ट्रेट अवे बिग क्रॉस लगा के साइड पे करें. Wherever you read the word मधु, उसको आप बिग रेड क्रॉस लगा के साइड पर. Isn't that the fabricated one as a vida? बिना बिना जो डेफिनेशन है वो एक लंबी डिस्कशन है उसके बाद. तो फैब्रिकेटेड तो स्ट्रेट अवे लगा होगी. बाकी रह गई ज़ईफ. अब ज़ईफ के मुख्तलिफ दर्जात हो, एक होती है ज़ईफ़न या ज़ईफ़न, जिद्दन एक्सट्रीमली ज़ईफ है, एक होती है ज़ईफ और एक होती है माइनर ज़ोफ है, उसमें माइनर वीकनेस है कोई तो. लेकिन ये सारा एक पूरा ब्रॉड स्पेक्ट्रम है. तो अब स्कॉलर्स के दो ग्रुप है. एक ग्रुप कहता है कि ज़ईफ पे भी क्रॉस लगाएं, वीक पे भी क्रॉस लगाएं और उसको भी साइड पे कर लें. दूसरा ग्रुप कहता है कि ज़ईफ से आप अकीदा नहीं ले सकते, ज़ईफ से आप एक्ट्स ऑफ वर्शिप नहीं ले सकते, ज़ईफ से अगर बहुत ही कुछ लेना है तो सिर्फ फजाइल ले लें, वर्चूज ले लें किसी चीज के, और कुछ नहीं ले सकते. ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ सारी कहानी, इस वजह से कि कुछ स्कॉलर्स की अब तफसीर सुनेंगे उसमें ज़ईफ अहदीस के को भी उन्होंने इंक्लूड किया है. बहुत सारी आप क्लासिकल तफसीर पढ़ेंगे, तफसीर इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द कुरान. व्हेन यू रीड सम ऑफ द क्लासिकल तफसीर आपको उसमें ये वीक चीजें नजर आएंगी. तो वो इसका मतलब है दे बिलोंग टू दिस ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स हु से दैट इन द मैटर्स ऑफ वर्चुअल्स और फजाइल मे बी यू कैन यूज ज़ईफ बट नॉट इन अकीदा एंड नॉट इन वर्शिप, एक्ट्स ऑफ वर्शिप, इबादत उसमें नहीं. तो बहरहाल ये दो हैं. अच्छा, अब हम कुछ फेमस अहदीस को देखते हैं सूरह यासीन के हवाले से. कोई बच्चा ऐसा है जो कि उर्दू या अरेबिक पढ़ सकता हो? बच्चा दिल के बच्चे नहीं, एक ही बच्चे. अच्छा, सिर्फ ये वर्ड पढ़ना है, सिर्फ ये वर्ड. एंड कैन एनीवन रीड दिस वर्ड? फर्स्ट लेटर इज मीम, द सेकेंड लेटर इज वाओ, देन दाद, फिर वाओ एंड देन आइन. मौदु हैंडशेक मेरे से. अच्छा भाइयों, इन हदीस को हम पढ़ते हैं लेकिन ये साथ साथ इसकी ना रूलिंग भी लिखी हुई है. पहली हदीस तो मौदू है, इसका मतलब इसको क्या करें, ये फैब्रिकेटेड है, इस पे बिग क्रॉस लगा के साइड पे करते. इन्ना लिखुल्ली शई इन कलमन, इन्ना बेशक, ली फॉर खुल्ली शई अन शई इन एवरीथिंग, कुल्ली शई एवरीथिंग, हर चीज का एक दिल होता है. वो कल्बुल कुरानी यासीन, कल्बुल कुरान क्या है, द हार्ट ऑफ द कुरान इज यासीन. वमन करा यासीन एंड हूएवर रेड सूरा यासीन, कतबल्लाहु लहू, अल्लाह ताला ने उसके लिए लिख दिया, ऑलरेडी क्या लिख दिया, बिकिराअतिहा उसकी तिलावत की वजह से, बिकिराअतिहा किराअतल कुरानी, कुरान की तिलावत लिख दी, यानी सूरा यासीन उन्होंने पढ़ी और क्या लिखा गया, फिर उन्होंने पूरा कुरान पढ़ा. कितनी दफा? अशरा मरवा, 10 दफा पढ़ा है पूरा कुरान. तो इस हदीस पे स्कॉलर्स ने क्या किया, एक बिग क्रॉस लगाया और इसको साइड पे कर दिया. अच्छा, दूसरी देखिए. अब दूसरी हदीस ऐसी है कि जिसमें सिर्फ एक मुहद्दिस है, नहीं एक मुहद्दिस नहीं, दो चंद मुहद्दिस हैं जो कि इसकी सेहत पे बिलीव करते हैं, बाकी अक्सर ने इसको ज़ईफ कहा है. ठीक है, कल्बुल कुरानी यासीन, तो कुरान का दिल यासीन है, ये बात किसी भाई ने बताई, मैंने शायद बताई, तो ये इस हदीस में मौजूद है, पिछली भी मौजूद था लेकिन इसमें भी मौजूद है. लेकिन इसके आगे कुछ और मौजूद है, उसके आगे है कि कोई इसको पढ़ता नहीं है, कोई आदमी इसको नहीं पढ़ता, एक्सेप्ट कि वो अगर अल्लाह ताला का जो है वो अल्लाह ताला को चाहता है, युरीदुल्लाह, कि वो अल्लाह की मोहब्बत में ऐसा कर रहा है, इसको पढ़ता है. और क्या चाहता है वो दारुल आखिरा, और आखिरत में बेहतरीन घर चाहता है वो, इस नीयत के साथ वो पढ़ता है तो क्या होता है, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है. यहां तक ये बात हुई. उसके बाद फरमाया गया इकरऊहा, इसको पढ़ो, इस फीमेल को पढ़ो, यानी सूरा, इस सूरत को पढ़ो, अला अपॉन मौता कुम, अपॉन योर डाइंग डाइंग. सो स्कॉलर्स से दैट डेड बॉडीज वोंट बेनिफिट, some scholars say. So they say that it refers to dying. And some scholars say that it may refer to those who are already
डाइड एज़ वेल। तो ये जो आखिरी पार्ट है ना, आखिरी पार्ट, तो इसके हवाले से इमाम इब्ने मुनक्किन कहते हैं कि ये या तो सही है या हसन है, और कहते हैं कि इसके दूसरे भी तुरुक मौजूद हैं जिनकी वजह से मैं ऐसा कह रहा हूँ। और इमाम इब्ने हजर भी इस पार्ट को कहते हैं कि ये हसन है, सही हसन गई, तो वो कहते हैं मैं इसको हसन मानता हूँ, और उसका रेफरेंस दिया हुआ है कि कहाँ पे मानते हैं। इस तरह से इमाम शौकानी और इमाम सफारीनी, इन्होंने भी इसको कहा कि ये पार्ट जो है एंड वाला पार्ट ये क्या है, ये हसन है, और शुरू वाला पार्ट क्या है, गई। अच्छा जी, अगली एक और हदीस है जिसमें भी कुरान का दिल कहा गया सूरह यासीन को, और वही बात बताई गई कि अल्लाह ताला उसका जो है वो मग़फ़िरत फरमा देता है पढ़ने वाले के। अच्छा, एक और हदीस है जिसमें फरमाया गया कि अगर आप इसको रात को पढ़ लेंगे सोने से पहले, तो सुबह उठेंगे इस तरह से कि आपकी फॉरगिवनेस हुई भी होगी। तो ये हदीस क्या है, बातिल, उसकी ला असला लहू, कोई इसकी बेसिस नहीं। अच्छा जी, जिसने सूरह यासीन पढ़ी जुमे की रात यानी शबे जुमा को पढ़ी यानी थर्सडे नाइट को पढ़ी, वो फिर अल्लाह उसकी मग़फ़िरत हो गई। ये कौन सी है जी, मौदूआत, मौदू है, फैब्रिकेटेड। मन ज़ारा क़ब्र वालिदैही, जिसने अपने पेरेंट्स की कब्र को देखा, जिसने अपने पेरेंट्स की ग्रेव को देखा, वह क़रा यासीन, और उसने सूरह यासीन पढ़ी, यौम जुमातिन, जुम्मे के दिन किया उसने ऐसा, गुफिर अल्लाह, मग़फ़िरत हो गई। तो ये भी हदीस कैसी है, मौदू। अच्छा, अब ये सिर्फ दो अहादीस ऐसी हैं जिनके बारे में स्कॉलर्स का एक ग्रुप कहता है कि ये अहादीस जो है वो एक्सेप्टेबल लेवल तक जाती है। तो पहली है मन क़रा यासीन फी लैलतिन, जिसने रात को सूरह यासीन पढ़ी, इब्तिगा वजहिल्लाही, अल्लाह ताला का, अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए, और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था उसका, सिर्फ अल्लाह की रजा चाहता था। रात के टाइम पढ़ी मुइन भाई के घर बैठ के मिसाल के तौर पे, और क्या चाहता था, सिर्फ अल्लाह की रजा चाहता था उससे, वो फिर अल्लाह तो उसकी मग़फ़िरत हो। तो अल्लाह ताला हम सबको इस कैटेगरी में शामिल फरमा दे कि हम इस सूरत को सिर्फ अल्लाह की मग़फ़िरत हासिल करने के लिए, अल्लाह ताला से अल्लाह ताला की रजा हासिल करने के लिए पढ़ें, अल्लाह इस बात पे हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। तो इसके हवाले से शेख शुएब अल अरनौत कहते हैं कि ये इसके रिजालुहु फका सिकार, इसके जो है नरेटर्स, दे आर ट्रस्टवर्दी। सिर्फ एक उन्होंने इसमें बताया कि मामला है वो ये है कि इसमें हसन अल बसरी है इसकी चेन में, जो कि अन से रिवायत कर रहे हैं। कुछ ऐसे स्कॉलर्स होते हैं जो कि अगर ये ना बताएं कि हद्दसनी, मुझे उन्होंने बताया, या अखबरनी, मुझे उन्होंने खबर दी, अन से खाली बताए ना फ्रॉम समवन, तो उस पर थोड़ा सा वीकनेस उसमें आ जाती है, हालांकि वो स्कॉलर इटसेल्फ या नरेटर इटसेल्फ में वो ट्रस्टवर्दी। तो इस वजह से इसमें कुछ वीकनेस है, बट मेनी अदर स्कॉलर्स कंसीडर इट एक्सेप्टेबल। अच्छा, अगली भी सेम है तकरीबन, मन करा यासीन इब्तगा वजहिल्लाह, इसमें रात का जिक्र नहीं, यानी कि उन्होंने सूरह यासीन किसी भी टाइम पढ़ी, दिन में पढ़ी, रात में पढ़ी, चाहते क्या थे उससे, अल्लाह ताला की प्लेयर, अल्लाह ताला का प्लेयर चाहते थे, गुफिर अल्लाह, उनकी मग़फ़िरत हो गई। अच्छा, अब इस हवाले से इमाम शौकानी कहते हैं कि ये बिल्कुल सही हदीस है। इसी तरह से जो है वो मुख्तलिफ जगह लिखी हुई है कहाँ कहाँ मौजूद है। इट इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेड बाई इमाम इबन हजर, इमाम इबन मुंजर, इमाम इबन असाखिर, अबू नईम अल अस्फहानी, इमाम इबन हिब्बान एंड अदर, सो ऑल ऑफ देम ग्रेडेड दिस एज एक्सेप्टेबल, हसन या सही। तो इसको हम किसी हद तक बेसिस बना सकते हैं कि इसकी बेस के ऊपर हम इस सूरत को समझने की कोशिश करें, और बिफोर इसके कि हम इस सूरत का आगाज करें, दैट्स अ पॉइंट वेयर वी शुड प्योरीफाई आवर इंटेंशन कि हम ये सूरत क्यों पढ़ रहे, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए पढ़ने, और इस दुआ के साथ पढ़ने के अल्लाह इसकी वजह से हमारी फॉरगिवनेस कर दे। अच्छा जी, एक कॉन्सेप्ट होता है उसको कहते हैं मुनासिबा, उर्दू में भी कहते हैं ना मुनासिबत रखना किसी चीज से, तो सूरतों की भी आपस में मुनासिबत होती है, मुनासिबा, और ये पढ़ी जाती है नज़्म कुरान की फील्ड में। अच्छा, सवाल बच्चों से खासतौर पर, who authenticated the sequence of the ayat in the Quran? Who said that these are from the divine, the sequence of ayat? Alif Lam Mim, Zalikal Kitab La Rayba Fi, Hudal Lil Muttaqin. Who said that they come in this order? Is it from Allah Subhanahu Wa Taala?
or is it by companions? इसके बारे में दो राय है, ज्यादातर जो जो ज्यादा सही राय वो यही कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से ही इसकी जो है कुरान की तरतीब भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से जो है वो दी गई है। दूसरी राय इसके बारे में ये है कि सहाबा इकराम अलैहिम अजमईन ने जो है इसको जमा किया, तरतीब उन्होंने इसकी आयात की तरतीब तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से, इसके अंदर तो किसी किस्म का कोई शायबा नहीं है, लेकिन जो सूरतों की तरतीब है उसके हवाले से दो ओपिनियन पाए जाते हैं कि एक ओपिनियन जो है वो ये है कि ये भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से बताई गई है, और एक ओपिनियन ये कि सहाबा इकराम ने इसकी तरतीब। बड़ी सही बात की। मैं वो कोई मजे की स्टोरी बनते जिस तरह, चूंकि वो एक मीडियम है अल्लाह और रसूल के दरमियान, मतलब सारी बेस बेस करती है, जब वो गौर करते थे तो उसमें जो एहतमाल रहता था तो उसको भी आप ऐसे। तो ये चीजें भाइयों पता है, मैं मजीद की स्टोरी आपको सुनाता हूँ। एक स्कॉलर है बहुत अच्छे, उनका नाम है शेख नवैद अजीज, कनाडा में होके काफी रिनोन्ड स्कॉलर है। तो वो बता रहे थे कि वो यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना में पढ़ते थे, तो उनके मुख्तलिफ जो है ना वो ट्रिप्स होते थे मुख्तलिफ जगहों पर। तो वन ऑफ देयर ट्रिप्स वॉज टू इमाम फहद किंग फहद प्रिंटिंग प्रेस, जो दुनिया में सबसे बड़ा कुरान प्रिंट करने का जो है वो इदारा है। तो वहां पे उनको लेके गए, तो उन्होंने उनसे पूछा कि आपको किस लैंग्वेज में कुरान चाहिए। तो मुख्तलिफ बहुत सारी लैंग्वेजेस में होता है। ऑन अ साइड टेंजेंट नोट, हमारी वेबसाइट ऑस्ट्रेलियन इस्लामिक लाइब्रेरी, उसके 123 प्लस लैंग्वेजेस में मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें किंग फहद के हैं बहुत सारे एंड दे आर फुली रिलायबल। तो वहां पर उन्होंने पूछा कि जी आपको किस लैंग्वेज में कुरान की ट्रांसलेशन चाहिए। उन्होंने कहा आई नीड इट इन फ्रेंच। उन्होंने वो फ्रेंच ट्रांसलेशन ले ली और उन्होंने कुरान पर सफ़ों को पलटना शुरू किया। ही फाउंड समथिंग वेरी स्ट्रेंज इन इट। उन्होंने देखा, अच्छा आप बताएं सूरह बकरा ही कितनी आयात है? 286 आयात है। उन्होंने खोली तो उन्होंने देखा 287। उनका ये क्या है? He wrote a letter to the printing press कि जी आपके कुरान में गलती है, 287 आयात आपने बना दी है, 286 हैं। उन्होंने उनको फिर इन्वेस्टिगेट किया और फिर उन्होंने बताया कि असल में आप थैंक यू आपने फीडबैक दी, लेकिन कुरान की मुख्तलिफ किराआत हैं, कुरान की आयतों का ऑर्डर अल्लाह ताला की तरफ से उसमें कोई चेंज नहीं, लेकिन आयत जहाँ पर डिवाइड हो रही है ना उसमें कुछ अख्तलाफ है कि जी आयत यहाँ पर ख़त्म होगी या आयत यहाँ पर ख़त्म होगी, उसके अंदर है सिर्फ। तो इस वजह से 286 या 287 मिलेंगी, या सूरह फातिहा के अंदर बिस्मिल्लाह समेत सात हैं या बिस्मिल्लाह के बगैर सात, इसमें आपको डिफरेंस ऑफ एग्रीड मिलेगा। लेकिन इसकी तरतीब कहाँ से भाइयों? अब्दुल्लाह, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आयात इज फ्रॉम हु? अल्लाह सुब्हान तआला। ठीक है, अच्छा ये मैंने क्यों बताई सारी कहानी? अच्छा ये इस वजह से कि आयात के अंदर मुनासबत तभी होगी ना अगर उनका ऑर्डर अल्लाह ताला की तरफ से है। और कुछ स्कॉलर्स ने जिस तरह जो है इकराम भाई ने बताया, कुछ स्कॉलर्स ने कहा कि सूरतों की जो ऑर्डर है ना वो भी अल्लाह की तरफ से, और कुछ स्कॉलर्स ने कहा नहीं सूरतों का ऑर्डर अल्लाह की तरफ से नहीं है, ये सूरतें सारी अल्लाह की तरफ से हैं, ये आयात सारी अल्लाह की तरफ से हैं, लेकिन सूरतों का ऑर्डर जो है वो सहाबा ने दिया कि इसको पहले कर दो इसको बाद में कर दो। तो ये दो स्कूल ऑफ थॉट है। जो स्कूल ऑफ थॉट ये कहते हैं कि ये भी अल्लाह ताला की तरफ से, फिर उन्होंने स्टडी की एक फील्ड को क्या कहते हैं, नज़मुल कुरान, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कुरान, एंड देन दे केम आउट विद ब्यूटीफुल पर्ल्स ऑफ विज़डम ऑफ वेयर सर्टेन सूरत आर लोकेटेड। मिसाल के तौर पे दो स्कॉलर्स से दैट इन कुरान देयर आर 7 ग्रुप्स ऑफ सूरत। हाउ मेनी ग्रुप्स? 7 ग्रुप्स ऑफ सूरत। ईच ग्रुप हैज गॉट एटलीस्ट 1 मक्की एंड एटलीस्ट 1 मदनी सूरत। हमने शुरू में पढ़ा था ना मक्की और मदनी का, उसमें ये फिर उन्होंने बताया कि इनकी आपस में क्या रिलेशन है, सूरज विदन जो है उसमें सेगमेंट उसमें क्या रिलेशन है। एक बहुत लंबी डिस्कशन है जिसका अभी हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन इस हवाले से एक चीज सिर्फ ये देख लें कि सूरह यासीन से पहले आती है सूरह फातिर, उसमें अल्लाह ताला ने क्या बताया, कसम की जिक्र हुई, ये लोग कसम खाते हैं कि अगर हमारी तरफ कोई आया ना नज़ीर, हमें कोई वार्नर आया
لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. يعني هماري طرف کوئی بتانے والا آگیا نا تو we will be the most guided people. ہماری طرف کو بھیجا اللہ تعالیٰ most guided people. اور جب وہ آیا تو کیا کیا؟ انکار کر دیا. تو اس صورت میں کیا ہو رہا ہے؟ ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے اور پھر انہی کا ذکر جو ہے اب اللہ تعالیٰ اگلی صورت میں بھی کنٹینیو کریں گے. سین ہوتا ہے نا جس طرح ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک ڈرامہ چل رہا ہے اس میں ایک سین آتا ہے پھر اس کے بعد کچھ بعد دوسرا سین آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بہت امیجنری دکھائی ہے امیجنری دکھائی ہے. پہلے ان کا ذکر ہوتا ہے کہ ہماری طرف آیا نا تو وہ ڈیفینیٹلی بلیو. پھر بتایا کہ ان کی طرف آیا اینڈ دے ڈو ناٹ بلیو ایٹ آل دے آر ناٹ بلیونگ. یہ بھائی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا آگے چلتے ہیں چونکہ ٹائم تک ختم ہو گیا ہم شروع ہی نہیں کر سکتے. تو اچھا پہلی آیت یاسین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین. یاسین کے بارے میں بھائی آپ کیا جانتے ہیں؟ کیا چیز ہے؟ حروف مقصر آپ کیا ہوتے ہیں؟ ہمیں الفاظ ہیں ان کا جو میننگ ہے نا وہ ہمیں نہیں پتا ہے. وہ اللہ رب العزت کے ہاں ہی ان کے پوشیدہ ہے. وہ الفاظ ہیں جن سے اکثر جو سورہ ہے ہمارا سٹارٹ ہوتا ہے لام میم یاسین اس طرح. بالکل. تو یہ حروف مقطعات ہوتے ہیں جنہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا یعنی کہ یہ علیحدہ علیحدہ پڑھے جائیں ان کو اکٹھا نہیں پڑھا جائے گا. تو ایک شیخ نوید ہی بتا رہے تھے کہ ایک دفعہ وہ ان کے کوئی دوست تھے جو کہ ادھر یونیورسٹی آف مدینہ کا ٹیسٹ دینے گئے اور انہوں نے پہلے کبھی قرآن نہیں پڑھا ہوگا. تو سورت پہ انہوں نے کہی کہیس کاف یا عین صاد. یہ انہوں نے کہیس کیا لکھا ہوا شروع یعنی دے آر مقطعات ہر لیٹر کو سیپریٹ پڑھنا ہوتا ہے دے کین ناٹ بی جوائن ٹوگیدر. اینی ہاؤ تو اس حوالے سے ایک چیز تو یہ ہے کہ ان کا اصل میننگ کس کو پتا ہے بھائیو؟ صرف اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. لیکن اس حوالے سے بہت سارے اسکالرز نے پونڈر کرنے کی کوشش کی ہے. وہ ان کی اپنی ریفلیکشن ہے ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ اپنا ان کا اجتہاد ہے. کین وی ٹیک اٹ ایز اوتھینٹک؟ نو وی ڈو ناٹ نو وی آر ناٹ شیور اباؤٹ اٹ بٹ سم پیپل ہیو ٹرائیڈ ٹو ورک آؤٹ. ابھی ریسنٹلی آئی واز سینگ اے ویڈیو میں نے پوری نہیں دیکھی تھوڑی بہت دیکھی. اس میں کچھ کمپیوٹر سائنٹسٹ تھے مسلم کمپیوٹر سائنٹسٹ. انہوں نے کچھ کیلکولیشن کی کہ کس طرح سورہ کا پورا کوڈ ہوتا ہے ان لیٹرس کے. تو انہوں نے وہ تمام یہ لیٹر جہاں جہاں قرآن میں آئے ہیں انہوں نے اس کا انالیسس کیا بتایا کہ پورے سورہ کا کوڈ اس کے اندر ہوتا ہے میتھمیٹیکل کوڈ سم. لیکن میں نے پورا نہیں سنا چونکہ وی کین ناٹ ٹرسٹ آن دیز تھنگس. لیکن لوگوں نے اسے مطلب نکالے. شاہ ولی اللہ دہلوی نے بھی اس کا نکالنے کی کوشش کی. حمید بن فرائی رحمۃ اللہ نے بھی نکالنے کی کوشش اور اسکالرس نے بھی کی انکلوڈنگ سم کمپیرنگ. تو مثال کے طور پہ یہ آپ کے سامنے کچھ نریشن نظر آ رہی ہیں اور اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا اوپینین موجود ہے اور دس اوپینین ہیز گاٹ ویلڈ بیسس. عربی میں جیسے وہ یا کہتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یا علی یا عبداللہ آپ کا نام کیا؟ یا طیب یا خلیف. تو یا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کو بلانا ہوتا ہے. اچھا اب سوال ہے کہ سین سین کون؟ اپنے کے لیے ہمارے کل پرسوں میں ایک ٹریننگ میں گیا ہوا تھا اور وہاں پہ جو ٹرینر تھا نا اس کا نام مجھے اب ذہن میں نہیں آتا یعنی وشویش یا کچھ اس طرح سے کچھ نام تھا اس کا. اس طرح یہاں پہ نام لکھا ہوتا وی. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ وی جسٹ پروناؤن سم تھنگ بائی جسٹ ون لیٹر اینڈ ناٹ دا ہول ورڈ ایبریویشن. تو جو لینگویج تھی نا اس زمانے میں حبشہ کی اس حوالے سے ابن عباس اس طرح کا ایک کال ہے جس کے حوالے سے اسکالرز نے بتایا کہ یہ اس کی اسناد صحیح ہے. اس کے مطابق سین جو تھا نا یہ دیٹ واز ایبریویشن آف انسان. تو اس کا مطلب ہے او مین. اس میں کچھ آپ کلاسیکل تفسیر پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہوا اس کا مطلب ہے یا سید یا سید یعنی کہ او ریسپیکٹیبل پرسن او لیڈر آف دا پیپل. تو اینی ہاؤ اللہ سبحانہ تعالیٰ نوز بیسٹ لیکن دس از واٹ سم آف دا اسکالرز ہیو ایکسپلین. When Allah subhanahu wa ta'ala says, if Allah subhanahu wa ta'ala is saying here, Ya insan, then who is that insan? Innaka lamina al-mursaleen. Innaka. Indeed, you are from the, those who are sent. Abhi hum padhenge agar Allah ne time diya to, ki mursal aur rasool mein kya farak hai. Ek choti si cheez ke upar usse mukhyati hai. Hamare jo humne padha tha kahin tafsir ke andar. کہ اللہ رب العزت نے یہ جو الفاظ استعمال کیے اس کی یہ بھی اے نبیل بھائی سیڈ کہ یہ بھی ان کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے اس کے پیچھے کوئی بیکنگ نہیں ہے.
जो मुफस्सिर है उनकी अपनी ये एक लॉजिक है, वो कहते हैं कि अरब जो है अपनी फसाद और बलागत के अंदर और शायरी में अदब में बहुत ज्यादा आगे थे, यानी कि उनमें बड़ी आम चीज थी इसी जबान के ऊपर, उनको फख्र आज भी है और उस वक्त तो बहुत ज्यादा था। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुरूफ मुख्तियार उतारा, इससे पहले अरबी अदब में इसका इसकी मिसाल नहीं मिलती। तो जो अदब जानने वाले हैं वो इसके वजन के हिसाब से इसको देखते थे, तो इनके वजन जो है वो अरबी ग्रामर के हिसाब से और अदब के हिसाब से बिल्कुल बराबर पाते। तो ये भी एक नई चीज थी जो उससे पहले जो अरब जो निसाब जो माहिरीन लैंग्वेज थे लिंग्विस्टिक्स थे उनके लिए भी एक नई चीज थी। तो ये भी दलील है कुरान की उन लोगों के लिए, यही अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से किसी इंसान के बस की बात नहीं। अभी तक टॉपिक बहुत ड्राई तो नहीं चल रहा आप लोगों नहीं बहुत हम असल में थोड़ा सा लेट चुके हमने शुरू किया, तो मे बी वी कैन टेक 15 मोर मिनट्स इंशाल्लाह। अच्छा भाइयों, तो ये पहली आयत है सूरत की यासीन, एटलीस्ट वी मेड अ स्टार्ट। अच्छा दूसरी आयत क्या है, यासीन वल कुरानिल हकीम। वाह किस लिए इस्तेमाल होता है भाइयों यहाँ पे, वाह के बहुत सारे अरबिक में मीनिंग होते हैं। One of the meaning is what? Qasam, as Jawad bhai said. ठीक है बेटे, आप समझ आ रही? Wa means by Quran, which is what? Al-Hakim. मैं बहुत चाहता हूँ भाइयों कि हम ना एक अरबी की क्लास करें, उससे कुछ चीजें हमें ना जहन में खुद आना शुरू हो जाएंगी। तो अगर आप लोग अवेलेबल हो तो मुइन भाई इज अवेलेबल ऑन सैटरडे मॉर्निंग और संडे मॉर्निंग, तो मे बी वी कैन मेक अ स्टार्ट। अब मिसाल तो भाई लिखा हुआ है ना अल कुरान अल हकीम, ठीक है। हकीम किसका एट्रीब्यूट है? कुरान, यहाँ पे कुरान। कैसे पता चला? इनमें देखिए कि अगर ये लगे ना आपको कि सिमिलैरिटीज हैं बहुत सारी, तो मोस्ट प्रोबेबली उसी का एट्रीब्यूट होता है। ये किससे शुरू हो रहा है? कुरान से पहले क्या है? अल अल लगा है ना। इधर हकीम से पहले क्या लगा है? अल। यहाँ पे एंड में क्या आ रहा है? तसरा देर। यहाँ पे एंड में क्या आ रहा है? तसरा। तो इसका मतलब है अल कुरान अल हकीम, यानी कि ऐसा कुरान जो क्या है, हकीम है। हकीम की भी डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। अच्छा ये कसरा क्यों आया है? कसरा जेर को कहते हैं, कसरा क्यों आया? वाव की वजह। इससे क्या होगा, कई दफा क्या होगा, अब अराब हटा भी लेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि अच्छा यहाँ पे यही आना है और कुछ नहीं आना। तो बार मैं चाहता हूँ इंशाल्लाह कि कभी अल्लाह ताला ने मौका दिया तो हम ये स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा अब सवाल ये है कि अल्लाह ताला जब कुरान में ओथ लेते हैं उसी क्या वजह है? आपने अगर किसी को प्रूफ करना हो कि यार वाकई ऐसा है, तो मिसाल के तौर पे अगर जवाब भी नहीं बताना हो कि काबुल कैफे के कबाब बहुत अच्छे होते हैं तो एक तो यह तरीका कि जवाब में ले जाए वहां पर खाना खिलाए, और दूसरा तरीका है कि मैं कहूँ नहीं हाँ जवाब आप गप मार रहे हैं, गप नहीं मार रहा, अल्लाह की कसम बहुत अच्छे कबाब है वो। तो आप क्या कहेंगे, अल्लाह ताला की हायर अथॉरिटी को इस्तेमाल करके अपनी बात को प्रूफ करना चाहेंगे? अल्लाह ताला जब किसी चीज की कसम खाता है तो अल्लाह ताला से हायर तो कुछ भी नहीं है, अल्लाह ताला तो हायर अथॉरिटी की तरफ नहीं अपील करता। अल्लाह ताला जब कसम खाता है तो चीज को एज एविडेंस बताता है कि जो आगे आने वाली चीज है ना उसके लिए ये चीज एविडेंस है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर वल कुरान लजीम, इसके बाद क्या आता है? इन्ना कलाम यमरसली, सूरह यासीन में, सूरह असल में क्या आता है? अपनी जिंदगी देखें पिछले, इंसानियत को देखें, पता चलेगा आपको कि इंसानियत लॉस में, जो आपने जिस चीज पे कसम है वो इटसेल्फ बताती है कि एविडेंस है वो उसका अगली आने वाली चीज का। अच्छा अब सवाल है, ये बात समझ में आई है आपको बच्चों कि अल्लाह ताला जब व्हेनेवर अल्लाह सुब्हान तआला टेक्स एन ओथ, दैट ओथ द थिंग फॉर व्हिच द ओथ इज टेकन इज एन एविडेंस फॉर व्हाट कम्स नेक्स्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी से वल असर, बाय द टाइम व्हाटएवर कम्स आफ्टर इट दिस थिंग इज एन एविडेंस फॉर दैट, इनल इंसान लफी खुसर, दैट इंडीड द मैनकाइंड इज इन लॉस, तो दिस टाइम इटसेल्फ टेल्स अस। तो क्विज ये वतीन व ज़ैतून व तूर सीनीन व हाज़ल बलद अल अमीन لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? वो तो कसम तो खा रहे हैं तीन की, क्या कहते हैं, फिक की, और किसकी वाला, ऑलिव की,
और शहर की, और बात कर रहे हैं इंसान की कि इन इंसान को बेहतरीन शक्ल में पैदा किया गया। क्या इसमें लॉजिक क्या बनी, क्या लिंकेज बनी? Evidence, लेकिन ये ठीक जो है वो किस तरह इंसान की बेहतरीन तकलीक का एविडेंस हुआ, कहां पे पाई जाती? यहां पे बताया जा रहा है अंबिया की सरजमीन को, ऑलिव कहां पाया जाता? फलस्तीन में। किसकी जमीन? ईसा अलैहिस्सलाम की और भी दूसरे अंबिया की। इस तरह से जो है वो फिक के वाले से बताया गया। और हाजल बलद अमीन, ये जाना बेहतरीन शहर जहां पे कौन मौजूद है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है। तो ये बताया गया कि इस वजह से जो है ना बेहतरीन तकलीफ इंसान की है। ये जो लोग हैं ना, और आप इसका टेस्टिमोनियल है कि ये इंसान बेस्ट शक्ल में बनाया गया। यू आर द बेस्ट ऑफ द क्रिएशन, खैरु खल्किल्लाह। अच्छा जी, तो यहां पे भी अल्लाह ताला ने ओथ उठाया किस लिए? अगली चीज का एविडेंस देने के लिए। वो क्या है? वो है इन्नका लमिनल मुरसलीन, दैट इंडीड यू आर द मुरसल ऑफ अल्लाह सुभानहु व तआला। तो कुरान मजीद बताता है कि आप अल्लाह ताला की तरफ से हैं, अदरवाइज द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड नॉट हैव एनी टीचर, ही डिड नॉट स्टडी बाइबल और तौरा एंड अदर थिंग्स, देन फ्रॉम वेयर डिड द कुरान कम? इट कुड ओनली कम फ्रॉम अल्लाह सुभानहु व तआला, एंड दैट थिंग इटसेल्फ इज द एविडेंस that you are the mursal of Allah subhanahu wa ta'ala. Rayan, do you know when was telescope invented, or microscope, sorry? 1700s mein, we can take that answer because I don't know the exact answer, but it would be around that range somewhere. So is aur isi tarah se aap bhi bataye ke Abdullah ke jo ultrasound hota hai machine, when was that invented? 1900s, maybe. अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर हमें बताया कि अल्लाह ताला वही करते हैं, किसको बोला? फीमेल बी को। अच्छा, एक और मजे की बात, माजरत के साथ थोड़ा टाइम इसमें लग रहा है, लेकिन अरे कई दफा आपने खवातीन देखी है जो कहती है कुरान में सिर्फ मर्दों की बातें हैं। भाई कुरान में हमारे लिए क्या है? वट इज दिया? रेहान सर ने डिस्कस किया था ना उसमें सेशन में, याद है आपको? कुरान में तुम्हारे बारे में बात ही नहीं है, तो मर्दों के बारे में बात होती है जी। तो आपका क्या ख्याल है इस बात से? क्या समझते हैं आप लोग, बात ही ऐसा? मुझे एक सूरत है, लेकिन व्हाट अबाउट 113 सूरत? तो होगी जन 112 रहती है। अच्छा, एक मजे की बात है, उर्दू से समझ। अगर यहाँ पे हम सारे मेल्स बैठे हैं, तो हम क्या कहेंगे? हम सारे यहाँ पे बैठे हैं, बैठे हम सारे यहाँ पे बैठे हैं। अगर यहाँ पे जाना कुछ सिस्टर्स भी बैठी हो चार पांच, तो हम फिर क्या कहेंगे? बहुत सारे मेल्स हैं, कुछ सिस्टर्स हैं, क्या कहेंगे हम सारे यहाँ पे बैठे हैं? अच्छा, सारे जेंट्स जो है ना वो बाहर चले गए, और मुइन भाई ने सिस्टर्स को कुरान से फिल किया। देखो, सिस्टर्स बैठी तो क्या कहेंगी? हम सारी यहाँ पे बैठी हैं। यानी कि अगर मेल एक्सक्लूसिवली तो सीगा क्या होगा? मेल। अगर ग्रुप ऑफ मेल एंड फीमेल है तो सीगा क्या होगा? मेल। अगर एक्सक्लूसिवली खवातीन है तो सीगा क्या होगा? फीमेल। तो कुरान में जहां पे भी मेल सीगा इस्तेमाल हो रहा है, इट मींस इट कुड बी आइदर फुल मेल्स और इट कुड बी ग्रुप ऑफ मेल्स एंड फीमेल। तो ये चीज हमें रखने की, और बताएं कि भाई आप सली रखें, जहां पे भी ये है ना प्लूरल, तो उसमें आप भी शामिल हैं। ठीक है, तो ये अच्छा। दूसरी चीज ये कि फीमेल बी की हम बात कर रहे थे, कुरान में अल्लाह ताला ने मिक्स सीगा नहीं इस्तेमाल किया, स्पेसिफिकली फीमेल बी को कहा। और जिस तरह रियान ने बताया कि देयर वाज नो टेलीस्कोप, हु कुड टेल दैट द एक्ट ऑफ मेकिंग हाउसेस एंड माउंटेन्स एंड सो एंड सो फोर्थ इज ओनली डन बाय द फीमेल बी। तो पहले टेलीस्कोप बनी जिस भी ईयर में रियान ने बताया, उसके बाद उन्होंने देखा कि ये तो ओनली फीमेल बी है। कौन बता सकता है? कुरान हकीम इन्नक लमिनल मुरसलीन, इन दिस कुरान इटसेल्फ टेल्स दैट दिस कुडंट बी अ कलाम ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग, इट इज फ्रॉम अल्लाह सुभान व तआला, अदरवाइज इसमें ये मौजज़े कहां से होते? ठीक, इन्नक लमिनल मुरसलीन। अच्छा भाइयों, रसूल और मुरसल में क्या फर्क होता है?
तो ना ट्रांसलेटर हो सकते हैं, ठीक है। मुसल जो है वो हम चाहते हैं कि ना जिस तरीके से आप हमें तबलीगो इरशाद कर रहे हैं, तो मुसल उसका एक हायर लेवल कह सकते हैं, ठीक है, जिसके पास एक ज्यादा सुपीरियर अथॉरिटी होगी, ठीक है, उनसे हम कहेंगे। अच्छा, मुरसल होता है जो कि रसूल होता है, जो किसी चीज को लेके आता है, पहुंचाने वाला, रिसाला, रिसालत को जो लेके आता है, पैगाम को, हद को या पैगाम को लेके आता है, उसको क्या कहते हैं? रसूल। मुरसल कौन होता है? जिसे खुद भेजा गया, he himself is an evidence, वो खुद मैसेज है, वो निगाहे इश्को मस्ती में, वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही साहब, तो वो खुद जो है ना वो दलील होता है मुरसल, यानी कि जो चीज खुद भेजी गई, यानी कि ये नहीं कि सिर्फ पैगाम लाने वाला, वो खुद ही कुरान, वो खुद हवाला, तो वो हिमसेल्फ इज द हवाला, ही हिमसेल्फ इज द रेफरेंस फॉर अस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इन्नक लमिनल मुरसलीन, तो ये चीज ध्यान में रखने की है। यहाँ पे अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या कर रहे हैं, स्टेटस को एलिवेट कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज भाइयों ये देखिए कि यहाँ पे एक तो स्टेटस एलिवेट हुआ, लेकिन साथ ही साथ क्या बताया गया, मिशन भी बताया गया कि आपका मिशन क्या है, आप किसी मकसद के लिए भेजे गए हैं। और इस शूज में अगर सगीर भाई अपने आप को रखें, तैयब भाई अपने आप को रखें, बाकी सारे भाई अपने आप को रखें, तो क्या पता चलता है, यासीन, उमैन, वल कुरान अल हकीम, बाय द बुक विच इज अल हकीम, यू हैव बीन सेंट, यू एज एन इंडिविजुअल हैव बीन सेंट For a purpose, you have been here for a mission. अब क्या हम उस जिंदगी के अपने मिशन को पूरा कर रहे हैं, नहीं कर रहे? What is that mission which is given to us? तो ये हमसे अल्लाह ताला हमसे भी बात कर रहा है, कुरान हमसे बात कर रहा है कि तुम भेजे गए हो, इन्नका, indeed you are sent for some bigger purpose. Are you fulfilling that or not? अच्छा, हकीम का मतलब क्या होता है? तीन मतलब होते हैं। एक तो हमें सबको पता है wisdom. और विजडम वो चीज होती है जिससे आप रिलेट करते हैं, जिसे आपको समझ ही ना आए आप क्या कहेंगे, ये कौन सी विजडम है? विजडम होती है सब अपने आपको रिलेट कर सके। तो कुरान लोगों के जिंदगी में रिलेटेबल बन के आता था, उनको पता चलता है हमारी बात हो रही है। और बाकी दो मीनिंग जो है ना उसको फिलहाल हम स्किप कर देते हैं। मेरा ख्याल में यहीं पर ही रोकते हैं, क्योंकि टाइम काफी ज्यादा हो गया है, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम से कंटिन्यू करेंगे। दरख्वास्त किए भाइयों से कि इसमें विजिट शिरकत करते हैं इंशाल्लाह। ये बहुत सारे इससे रिलेटेड, देखिए हमने सिर्फ दो आयात पढ़ी हैं या तीन शायद, इन तीन आयात में कितने मैसेजेस हैं, इतने मैसेजेस हैं कि हमें कई मैसेजेस अभी स्किप करने पड़ रहे हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द कुरान, सो मच ऑफ इट इज अल्लाह सुब्हान व तआला कन्वेज ओनली इन अ फ्यू आयात। द डीपर वी गो द मोर थिंग्स वुड कम आउट, द मोर पर्ल्स वी कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इट। तो अल्लाह ताला हम सबको कुरान में गौतवजन होने की जो है अल्लाह तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला हमें उस हदीस का मिसाल बना दे जो कि हमने आज शुरू में पढ़ी, कि जो इस सूरत को समझेगा पढ़ेगा, समझ के पढ़ना पड़ना है ना, वरना तो समझ ही नहीं आ रही तो फिर आपने कैसे कह सकते हैं कि आपने पढ़ ली। तो अल्लाह ताला हमें उन लोगों से बना दे जो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए ये काम करते हैं, और इसी बेस पर अल्लाह ताला हमारी मगफिरत फरमा दे। अरे एक थोड़ा सा रिपीट पूछ रहे हैं सर लोग, हेल्प योर सेल्फ पे अपने बाबू भी लगा देंगे आपके ऊपर मोहित भाई, हम किसी एक भी अलाउड नहीं है, एक आपके पास हम लोग लाउड नहीं है, आपको नहीं लाउड देते हो, जिसको लाउड है वो खा रहे नहीं, खाने वाले वाला अपने खाने के लिए ग्राम भाई हम आपको खाते हुए बहुत मिस करेंगे। हम लोग क्योंकि नए हैं साथियों के साथ, और रिसेंट आया हूँ